मैं भी खींचूंगा यार, मेरे बच्चों को दिखाऊंगा। व्हाट्सएप कर दो वीडियो पे। सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्नेक एक्सक्यूटिव प्लस में स्वागत है। मैं कमल चौधरी और ऑन ड्यूटी श्री चंद्रभान जांगड़े जी और साथ ही रिटायर एस के तिवारी जी जो कि रेलवे में आरपीएफ थे और आज ही वो शायद आज ही आए हैं, हैदराबाद से आज ही हैं। उनकी सुपुत्री जो कि यहाँ रहती है और वो परसों से परेशान है क्योंकि इस घर के अंदर उन्होंने नाग सांप देखा था और रात भर जब उन्होंने 11-12 बजे नाग सांप देखा था तो रात भर डर से वो यहीं पर बैठ कर उनकी निगरानी करते रहे सुबह 5 बजे तक का। उसके बाद मुझे इन्फॉर्म किया और मैं भी आके शाम को खोजा, मुझे नहीं मिला और मैंने उनको ही कहा कि भाई आपके पास नंबर नहीं था क्या मेरा, तो बोले नहीं हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर रहते हैं, वो अभी बिलासपुर शिफ्ट हुई है, इसलिए उनको आइडिया नहीं था कि कोई रेस्क्यू टीम बोल के है। तो आज देखिए मैंने उनको ये कहा किया था कि अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 24 आवर्स मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अभी देखिए रात के 1:30 बज रहा है और यहाँ घर से जिस तरह से सर ने बताया कि घर में डरे हुए, इस घर में कोई सो रहा नहीं है, यहाँ इन्होंने फिनाइल डाला, उसके बाद कुछ देर के बाद देखा कि एक सांप निकल के इस टंग के पीछे गया है। तो चलिए उस सांप को हम देखते हुए सही सलामत रेस्क्यू करके इस परिवार को भी सुरक्षित करते हैं और सांप को भी सही सलामत जंगल में छोड़ देते हैं। स्टूडियो मेरे साथ बने रहिए। सब इंस्पेक्टर था मैं, तब रिटायरमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए नाग सांप है जो कि ड्रम के पीछे बैठा हुआ है, वो अब नहीं खिसकेगा साहब, नहीं खिसके, कोई मैं खिसका लूंगा। आप इधर आ जाओ, एक घंटे बजे आ जाओ, कोई डर की बात नहीं, मैं इसको भाग बोल के निकाल लूंगा। अब तो हाथ पहुंच जाएगा आपका। अब बेटा ये देखिए स्पेक्टिकल कोबरा, ये घर के अंदर था और परिवार को किसी को भी काट सकता था। चलिए हम बताते हैं इसके बारे में। हाँ बेटा, हाँ चलिए आपको हम हाथ, बस 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 बस, आप पीछे जाकर ठीक है। कौन से हाँ सर, इसको ले जाने से बाहर। अरे डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत, हम जब आ गए किस बात का डर है, गुस्सा हो गया सर ये। नहीं, इसका नेचर वो हुड दिखा के डराता है लोगों को। अरे कुछ नहीं, अरे मैं हूँ बाबा, ऐसा कुछ नहीं, चलो आ जाओ, नहीं मत डरिए, मत डरिए, आप जवान घर जाइए, बस कुछ नहीं है। पापा पापा आप लोग घबरा रहे हैं, मैं बस कर रही हूँ, एक सेकंड। देखिए ये कोबरा रेस्क्यू हो गया है। ये परिवार पिछले 2 दिन से डरा हुआ था
और एक सही रीज़न भी है जिसके घर में एक नाक सांप घुसा हो और कहाँ किसी को नींद आएगा। अपनी बेटी को खतरे में सुन के हैदराबाद से भागते हुए आया है और उसके बाद आज इत्तेफाक देखिए कि वो सांप इनको मिल गया, निकल गया घर में और फिर मुझे इन्फॉर्म किए तो मैं भी भागते हुए आया हूँ। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि लोग भी बच जाएँ और ये जीव जंतु भी बच जाए। और साथ ही 112 को हम लोग को हमारे सीजी पुलिस को और खास करके जो शासन ने 112 का सुविधा उपलब्ध किया है तो हमारे आम आदमी को सैल्यूट करना चाहिए। ये इंसान की जान के साथ साथ अब जीव जंतु की जान बचाने में भी हमारी हेल्प कर रही है। तो इसी तरह से ये सांप जो था स्पेक्टिकल कोबरा जिसे हम नाक कहते हैं जिसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा, अगर ये काट दे तो मौत निश्चित है अगर हॉस्पिटल ना जाए और एंटीवेनम ना ले। क्योंकि जब भी सांप काटता है झाड़ फूक नहीं करना है, देसी इलाज नहीं करना है, आपकी जान डॉक्टर ही बचा सकता है और सांप के जहर से बना एंटीवेनम। भाई मैं तो आप सभी लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि एक तो भगवान तो ऑलरेडी ऊपर में है ही, सेकंड नंबर भगवान हमारे अभी है नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे इतना हम डरे हुए थे, मैं कहाँ हैदराबाद से मैं भग के आया हूँ, ये कल की बात है, मेरी बेटी देखा घर में सांप है, सर को बुलाए, आने के बाद बहुत सर बहुत कोशिश किए लेकिन वो कहीं जाके छिप गया। आज फिर मैं उस रूम में सो रहा था, बेटी मेरी इधर सो रही थी, अचानक उनकी आँख खुला देखा कि सांप जो है अंदर से बाहर जा रहा है। तुरंत मैंने बोला पापा पापा करके चिल्लाया, मैं बोला हाँ बेटा क्या हुआ, तो बोला पापा जी सांप दिखाई दिया है। मैं बेटा सर का नंबर है ना, तुरंत कॉल किए, बेचारे इतने नींद में थे, गहरी नींद में, दिन भर तो इधर उधर जाते हैं, अपने काम में रहते हैं, ऑलरेडी एम्प्लॉयज भी हैं, रेलवे एम्प्लॉयज भी हैं, सब उनका कृपा है भोले बाबा का। इसके बाद भी अभी आप लोग देखे होंगे कितना पेशेला नाग को कैसे पकड़े हैं, हाथ में पकड़े हैं। वाह, मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, हमारे रेस्क्यू पार्टी, हमारे 112 वाले, हमारे पुलिस सहायता जो किए हैं, इनका मैं कोई बखान नहीं कर सकता हूँ। जय हिंद जय भारत। तो देखिए, मैं सर ने जैसे कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, हम भगवान नहीं है, आपको भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि दो दिन से आपके घर में सांप है और भगवान ने इस सांप को भी मना किया कि बेटा कुछ मत करना, अगर वो चाहता तो एक बड़ा हादसा हो जाता। हमको इस बात की खुशी है कि सर हम भगवान नहीं है, भगवान ने हमें इस अच्छे काम के लिए एक माध्यम बनाया, एक जरिया बनाया, तो मैं तो भगवान नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, हम मानव सेवा के लिए कर रहे हैं काम, आगे भी जनहित में हम और 112 पुलिस विभाग लोगों के जनहित में काम करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे किसी की हेल्प करते हुए, किसी की जान बचाते हुए, किसी के डरे हुए परिवार के चेहरे में एक मुस्कान देखने के लिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।